गुड इवनिंग। रोटेशन लेक्चर नंबर 17 आज कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशन वैसा कुछ नहीं है कि ये होता है वो होता है। लास्ट में बताता हूँ कि टॉप लिंक के लिए क्या करना होगा, वो समझ में आना चाहिए बस। नहीं तो फिर तुम लर्न करने बैठ जाओगे ना कि ये होता है फॉर्मूला, तब तो इधर से उधर हो गया। वैसे मैं कुछ चीजों को रिलेट कर देता हूँ। जैसे म्यू की वैल्यू क्या आई थी, ये ऐसा था, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये वाला डिस्टेंस क्या है, एच। इस केस में म्यू की वैल्यू क्या थी जिसको बोल रहे थे क्रिटिकल, तो म्यू आया था अपना आर बाय एच, है ना, आर बाय एच। ये फोर्स की वैल्यू क्या आई थी, फोर्स आया था एम जी आर बाय एम जी आर, एम जी आर बाय एच, ऐसा था, है ना। तो देखो इससे कुछ केसेस बना लेते, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा है वही, कुछ नहीं लर्न करना, कुछ भी लर्न नहीं करना। पता है क्रिटिकल के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल के लिए फोर्स को जीरो करेंगे, टॉर्क को जीरो करेंगे, केस वन। लर्न नहीं, समझ लो इसको क्या है, केस वन। यहां से आप एच भी देख सकते हैं, यहां से एच की वैल्यू को अगर आप लिखेंगे तो h की वैल्यू जो जाएगी जहां पे ना तो ये टॉपल करेगा h बाय मी, तो इसी h को बोल दीजिए ये बेसिकली क्या h मार्क्स है, ना तो यहाँ पे टॉपल कर रहा है ना तो स्लाइड कर रहा है, ये क्या था f मार्क्स था, यहाँ पे ना तो टॉपल कर रहा है ना तो स्लाइड कर रहा है, वैसे ही है ना। अब देखो इफ h इज लेस देन h मार्क्स, h की वैल्यू जो है इससे कम है, है ना, और f जो है नहीं होगा, नहीं होगा, if h is less than h max and f is less than friction, यहाँ पे friction लग रहा है, last lecture में ये सब बताया है, उसी को मैं लिख रहा हूँ, if h is less than h max and f is less than friction, तो अब खुद से बताइए इस केस में बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करेगी, टॉपल करेगी, क्या होगा इस एफएस मैक्स करेगी, एफएस मैक्स इस केस में बॉडी क्या करेगी, टॉपल करेगी, स्लाइड करेगी, क्या करेगी, टॉपल करने के लिए एच ग्रेटर होना चाहिए ना इससे, अरे एच इससे ग्रेटर होगा, एच ग्रेटर होगा तभी तो एच इंटू एफ की वैल्यू क्या होगी, H into F का जो टॉर्क आएगा वो ग्रेटर हो जाएगा MGR से। ये तो ठीक है, टॉपल का, टॉपलिंग का ये कंडीशन एक आ रहा है, दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना यार, क्योंकि जो H की वैल्यू है इससे लेस है, H की वैल्यू अगर इससे लेस होगी तो F into H का जो टॉर्क आएगा वो MGR से लेस हो जाएगा, मतलब बॉडी टॉपल नहीं करेगी, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यहीं पे रहेगा, एच मार्क्स का मतलब क्या है, ना तो बॉडी यहाँ पे टॉपल कर रही है ना तो स्लाइड कर रही है, अगर एच को आप इंक्रीज करोगे तो एच इंटू एफ का जो टॉर्क आएगा वो एम जी आर से ग्रेटर हो जाएगा, तब बॉडी टॉपल करेगी, क्योंकि ये भी आ रहा है, कुछ आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या होएगा, देन नो टॉपलिंग, नीदर टॉपलिंग नॉर स्लाइडिंग, टॉपलिंग नॉर स्लाइडिंग, केस टू। अगर मैं यहां से कह दूं ऐसा, इफ एच इज लेस देन एच मार्क्स, बॉडी टॉपल करेगा क्या, ये बताओ, किसमें स्लाइड करेगा, अरे यार
एफ एस मार्क्स जो है वो ग्रेटर है एफ से, कैसे बॉडी स्लाइड कर जाएगी ये बताओ ना। एफ एस मार्क्स जो है वो ग्रेटर है, बॉडी कैसे टॉपल करेगी इफ एच एस स्लाइड कैसे करेगी ये बताओ। एफ एस मार्क्स ग्रेटर है ना यार एफ से, बॉडी के स्लाइड करने के लिए एफ ग्रेटर होना चाहिए एफ एस मार्क्स से। इफ एच इज लेस देन एच मार्क्स एंड एफ इक्वल्स टू एफ एस मार्क्स, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या होगा? इम्पेंडिंग स्लाइडिंग, वेरी गुड। टॉपलिंग बताइए, टॉपलिंग होगा? हाँ ये भी सही है। तो यहां इस केस में क्या आएगा देन? कोई टॉपलिंग नहीं है, और यहां पे क्या आएगा? एंड ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ, ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मतलब इम्पेंडिंग स्लाइड है ना, इम्पेंडिंग मोशन ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। क्लियर है? द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब एफ की वैल्यू अभी से ग्रेटर होगी तो ये स्लाइड। केस थ्री खुद से आना चाहिए ये सब, ऐसा नहीं कि लर्न करने के लिए बैठे। इफ एच इज लेस देन एच मार्क्स एंड एफ इज ग्रेटर देन एफ एस मार्क्स क्या होगा? कोई टॉपलिंग नहीं होगी, स्लाइडिंग अकर्स है ना, स्लाइडिंग अकर्स, स्लाइडिंग अकर्स, बॉडी स्लाइड हो जाए। केस फोर, इफ एच एच इज ग्रेटर देन एच मार्क्स इक्वल्स टू, पहले इफ एच इज एच इक्वल्स टू एच मार्क्स एंड एफ इक्वल्स टू एफ एस मार्क्स क्या होगा? देन द ब्लॉक इज ऑन द वर्ज एच मार्क्स में क्या है, ना तो टॉपल हो रहा ना तो स्लाइड हो रहा था इस वाले केस में, और एफ की वैल्यू भी एफ एस मार्क्स के इक्वल है तभी ये आता था। इसका मतलब ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग है ना, ना तो यहाँ पे टॉपल करा ना स्लाइड करा, बट इसकी टेंडेंसी अभी स्लाइड करने की भी है और टॉपल करने की। केस फाइव, इफ एच एच इज ग्रेटर देन एच मार्क्स, इफ एच इज ग्रेटर देन एच मार्क्स, अगर h की वैल्यू ग्रेटर हो गई h मार्क्स से एंड f इज लेस देन एफ एस मार्क्स, इस केस में क्या हो जाएगा? टॉपलिंग ऑकर्स एंड नो स्लाइड। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, कुछ से समझ में। बोलिए क्या ना? जब तुमको पता है कि कुछ नहीं होगा तो पढ़ क्यों रहे? छोड़ दो, तुमको थोड़ी बोले जा रहे, कोई बोल रहा है कि तुम पढ़ो ही, छोड़ दो ना सर, पता है तुमको कुछ नहीं होना है तो तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार? इतना फ्री टाइम है क्या तुम्हारे पास? जब तुमको पता है कुछ नहीं होगा, वही जब उसको पता है कुछ नहीं होगा
टाइम तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल के, हॉरिजॉन्टल के इसीलिए आप एक जनरल सा एक बता दूंगा कि टॉप लिंक के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपसे आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए। स्यूडो फोर्स लगा दो, जैसे अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स लगा दीजिए। अच्छा देख लेते हैं, ठीक है ठीक है, वो भी एक बार एक एग्जांपल पहले भी किया है उसी को फिर से कर लेंगे। नोट करो पहले, थोड़ा फास्ट कभी हो पाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कि स्यूडो फोर्स का टॉर्क कैसे ले। यस, कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर, ऐसा समझ लीजिए। यस, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो एक्सरसाइज डिस्कशन, और एक्सरसाइज वन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, है ना। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज टू डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे कम से कम एक्सरसाइज टू हो जाए नेक्स्ट लेक्चर में। फिर दो तीन लेक्चर में जो है, थ्री लेक्चर्स उसके बाद होगा, है ना, या मिनिमम टू लेक्चर्स होगा, एक्सरसाइज थ्री एंड फोर का डिस्कशन हो जाए। डन, तो यहां से टॉप लिंक के लिए क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर तक एक्सरसाइज टू थ्री सब कर लीजिए, कम से कम मिनिमम टू तक तो होना ही चाहिए। एमटी के बाद स्टार्ट होगा, यस एमटी के बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, टॉपलिंग, एसएचएम। अभी तक एसएचएम या पता नहीं क्या लगे, एसएचएम ही लगना चाहिए। टॉपलिंग के लिए क्या अभी तक समझ में आया? कि टॉर्क जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना, एंड एफएस मार्क्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन एफ होना चाहिए। बट कहीं कहीं पे क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन होता है। बाउंड्री कंडीशन मतलब फॉर कई कई क्वेश्चन ऐसा पूछा, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एट विच द बॉडी स्टार्ट्स टॉपलिंग, द बॉडी स्टार्ट्स टॉपलिंग, है ना। तो उस केस में
टॉर्क को आप जीरो कर देंगे, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। मतलब क्या है मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, किसी में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, उस टाइप का आएगा बाउंड्री कंडीशन। मिनिमम या मैक्सिमम जो होता है वो बाउंड्री कंडीशन होता है, तो वहां पे आप इक्वेट कर देंगे जीरो से। इसका मतलब टॉपलिंग के लिए यहां से आप देखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, टॉपलिंग के लिए ये ऐसा है ना, बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं तो अगर ये इक्वल हो जाएगा, एफ एस मैक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल भी होगा तो भी ये स्लाइड नहीं करेगा, ऐसा लिख सकते हैं। आई बात समझ? बट मोस्टली क्या होता है जब इक्वल होता है तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं होगा, बट इस वाले सरफेस पे इंक्लाइंड प्लेन है तो इक्वल में ये स्लाइड कर सकता है, इक्वल में ये स्लाइड कर सकता है। बात आ रही है समझ में? इसको तुम मत लिखना यार, नहीं तो फिर कंफ्यूज ही हो जाओ। इसको मत लिखना, ऐसे रहो, क्योंकि क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन पे जब बात करोगे ना टॉपलिंग की, तो फिर ये ग्रेटर ही होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया ना दोनों फोर्स तो भी ये स्लाइड कर जाएगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा है ना इस साइड, इसकी टेंडेंसी तो पहले से मूव करने की है। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है तो पहले से इसकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की, ऐसा है, फिर फोर्स लगा रहे अपन। लेकिन इस केस में पहले से ही फोर्स लग रहा है, एम जी साइन थीटा लगेगा ही, है ना। बस ऐसा बाउंड्री कंडीशन आपको कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ इसी से कंडीशन आता है सब। इसलिए इसको मैं क्या बोलूं, इसको ऐसा नहीं कि लर्न कर रहे हैं, समझने के लिए ये सब केस बना दिया है कि आपको समझ में आए कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ। ये किससे आया? इसी से आया ना एच मार्क्स, यही सब टॉर्क को जीरो किया था, फोर्स को जीरो किया था, इसी से आया था ना ये। ये कहाँ से आया है? टॉर्क जीरो किया, फोर्स जीरो किया, उसी से आया ये। तो ऐसा नहीं कि अब उसको लर्न कर रहे कि ये होता है वो होता है, एच मार्क्स लेस होगा ग्रेटर होगा, कुछ नहीं, इसी से आया है सब। बाउंड्री कंडीशन देखना है तो एफ एस मार्क्स इक्वल्स टू एफ कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो को, अच्छा एक पहले ये भी देख लेते। अगर मान लो ये ऐसा है, अरे मेरे भाई, एच मार्क्स कहाँ से आया ये बताओ पहले, एच मार्क्स आया कहाँ से? टॉर्क को जीरो किया, एफ को एफ एस मार्क्स किया, तभी आया ना एच मार्क्स, इसी से आया ना। अरे टॉर्क को जीरो किया, फोर्स को एफ एस मार्क्स के इक्वल किया, इससे आया एच मार्क्स, एच आया, वही एफ आया उसको बोल दिया एफ एस एफ मार्क्स, जो एफ आया था उसको बोल दिया एफ मार्क्स। तो अगर तुम इसको जनरलाइज करना चाह रहे हो तो टॉपलिंग के लिए क्या होना चाहिए? ये हर केस में आएगा, हॉरिजॉन्टल है, वर्ट इंक्लाइंड प्लेन पे है, हर केस में आएगा ऐसा। लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिए है ना यार, ये जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होगा तभी होगा ना ऐसा, इसीलिए एच मार्क्स से रिलेट मत करना, लर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझाने के लिए सब केस बना दिया कि आपको समझ में आए कब टॉपलिंग होगा कब नहीं होगा, लर्न मत करना। ऐसा नहीं कि लर्न कर रहे फॉर्मूला टाइप्स, ये समझ में आना चाहिए कि ग्रेटर होना चाहिए ये, अगर मिनिमम फोर्स चाहिए बाउंड्री कंडीशन तो वहां पे इक्वल हो जाएगा। ये समझ में आना चाहिए बस, ठीक है, कि टॉपलिंग के लिए क्या होना चाहिए, टॉर्क ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन आएगा जीरो हो जाएगा, और एफ एस मैक्स ग्रेटर देन एफ होना चाहिए, ये दो आना चाहिए। अब देखो यार, ये बॉडी है, यहां पे अगर आप फोर्स लगा दो, फोर्स यहां पे लगा दिया, सबका आ रहा है क्या? नहीं ना, यहां पे फोर्स एफ, यहां पे क्या है, फोर्स एफ। अब देखो अगर मान लो सपोज यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल एम जी ऐसा लगेगा, एम जी इस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये बताओ यहां पे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो सकता है? इस केस में नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा नहीं होगा? मतलब यहां पे अगर फोर्स आपने लगा दिया तो बॉडी टॉपल, मतलब यहां पे रोल करना स्टार्ट कर देगी, यस रोलिंग विद, आई बात समझ में? यहां पे बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, या तो रोल करेगी, या तो पहले रोलिंग विद स्लाइडिंग होगा, कुछ वैसा होगा, मतलब कंबाइंड मोशन होगा, है ना,
ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स लगा दिया तो बॉडी रोल तो करेगी यहाँ, मतलब रोटेशनल मोशन तो होगा इसका। इस केस में वैसा नहीं कि नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, आई बात समझ में, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन हैज जीरो मार्जिन टू शिफ्ट सो इवन इफ F equals to Fs max and N equals to mg and unbalanced torque will develop and the body will roll. कॉपी कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दूसरी कौनसा फोर्स, अरे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना रहेगा, एक ही पॉइंट होगा ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका एरिया थोड़ी इसके कांटेक्ट में है या लेंथ थोड़ी कांटेक्ट में है, एक ही पॉइंट कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल शिफ्ट होगा क्या, नहीं होगा क्या, इसमें क्या फोर्स बताऊं ये तो बोलो। अरे ब्लॉक यहाँ पे रख दिया तो इस पे हमेशा ये फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, mg sin थीटा, अगर ये थीटा है, कुछ नहीं लिखा है, अरे mg sin थीटा नहीं लगेगा यार इस डायरेक्शन में, वो बोल रहा हूँ मैं, तो बस वही है कि अगर एक ब्लॉक को ऐसे रख दो एक ब्लॉक को यहाँ पे रख दो, किसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की ये बताओ, मैं इसकी या इसकी, जो इंक्लाइंड प्लेन पे इसी की टेंडेंसी होगी ना, तो इस केस में क्या होगा कि यह जो फोर्स है mg sin थीटा, ये mg sin थीटा अप्लाइड फोर्स, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, ये दोनों अगर सेम भी हो गया ना, mg sin थीटा की वैल्यू अगर f के इक्वल भी हो गई ना, तो भी ये मूव कर सकता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज, क्योंकि इस पे फोर्स पहले से ही लग रहा है mg sin थीटा, बट यहाँ फोर्स नहीं लग रहा, आप फोर्स अप्लाई करोगे, ये अर्थ लगा रहा है फोर्स, यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी टेंडेंसी पहले रेस्ट में रहने की, बट इसकी मूव करने की, तो यहाँ पे अगर सेम भी हो जाएगा तो भी ये स्लाइड कर सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लिखा था Fs max greater than equal इक्वल वाला पार्ट हटा दिया, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पे वो वैलिड नहीं हो पाता है, आई बात समझ में, इक्वल आ जाएगा तो हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन पे वो स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है,
टॉपिक है इसको, ये रोलिंग कितने मिनट का चैप्टर पता है? 5 मिनट्स। कितने मिनट का? 5। सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है बस रोलिंग, टॉपलिंग। टॉपलिंग कितने का? 5 मिनट्स, सिर्फ इतना हो गया, टॉपलिंग खत्म। कॉपी किए इसको, अरे क्वेश्चन करेंगे यार, इतना पता है, फिर इरिटेट कर रहे हो तुम लोग। पता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन होता है, होता है या नहीं होता है? क्या करोगे, बैठा रहूंगा क्या मैं यहाँ? नहीं हुआ अच्छे टीचर ये की बात नहीं, आराम से मैं हो गया। टाइम तो ऐसे वेस्ट नहीं करूंगा ना, मतलब कुछ कॉमन सेंस लगाओगे तो भी टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम है तो टाइम को यूटिलाइज करेंगे, वो तो होगा ही। इसमें पूछने की क्या बात है कि सर चैप्टर का तो कंप्लीट हो गया, क्या करोगे? कॉपी किया यार, तुमसे तो पता नहीं, तुम इतना टाइम लगता है तुमको कॉपी करने में, वो तो समझ में नहीं आया मुझे आज तक। पूरा मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया है, देखो यार। ये क्यूब है, साइड ए, फ्रंट व्यू बना रहे हैं, साइड ए, ठीक है। साइड लेंथ कितना है? ए, मास है। यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो है 3a/4, 3a/4, ठीक है। और यहां पे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इज सफिशियंट। क्वेश्चन पूछा गया, फाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एट विच द क्यूब स्टार्ट्स टॉपलिंग। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एट विच द क्यूब स्टार्ट्स टॉपलिंग। एफ की मिनिमम वैल्यू बतानी, फ्रिक्शन सफिशियंट है तब ये टॉपल कर सकता है, तो एफ की क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कि ये बॉडी टॉपल करे, ये बॉडी टॉपल कर सके। MA/2 आ रहा है सर, नहीं MA/2 नहीं, फ्रिक्शन तो सफिशियंट है, बॉडी टॉपल कर सकती है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? एमजी यहाँ पे लग रहा हो, नॉर्मल को करेक्ट आंसर है, नॉर्मल को शिफ्ट कर दिया यहाँ, सही आंसर 2/3 mg, 2/3 mg, ए नहीं आएगा, 2 mg/3 आएगा, ए वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, तो नॉर्मल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे, ये बॉडी टॉपल होगी, तो किसके अबाउट टॉपल होगा? इसके अबाउट टॉपल होगा, ऐसा होगा नहीं। तो ये जो है 3a/4 है ना, और ये वाली वैल्यू a/2, ये वाली वैल्यू क्या है a/2। तो इस पॉइंट के वोट अगर आप टॉर्क फाइंड करोगे, मिनिमम चाहिए, मतलब बाउंड्री कंडीशन है, जीरो कर देंगे, टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो,
देखो इसका जो टॉर्क आएगा ये आर है और ये एफ है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए तो आर क्रॉस एफ ऐसा आएगा क्लॉकवाइज। इसका आर ये है, एफ ये है, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो एक को पॉजिटिव ले लिया तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए बाई टू इंटू एम जी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री ए बाई फोर, या आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। टॉप लिंक के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वहां से आपको दिखेगा कि उसकी जो टॉर्क की वैल्यू मतलब एफ की जो वैल्यू होगी इससे ग्रेटर या मिनिमम उतनी होगी। तो थ्री ए बाई फोर इक्वल्स टू ए बाई टू इंटू एम जी, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से टू टाइम्स में जाएगा। तो एफ की वैल्यू जो है वो क्या है, टू एम जी बाय थ्री। यही कौन सा एफ है, ये एफ मिनिमम है, एफ क्या है मिनिमम। सिंपल है, देखो इतना सा पड़ा था, एच ग्रेटर देन दिस, म्यू ग्रेटर देन दिस, कहाँ कुछ काम आ रहा है, सिर्फ यही जीरो कर दिया गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसा भी अ क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड हमेशा ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ तो होगा ही, जीरो आ रहा है तो दोनों ऑपोजिट होना ही पड़ेगा तभी जीरो आएगा, वरना जीरो तो होगा नहीं ना, वरना तो जीरो होगा नहीं। अ क्यूब ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड ऑन on an inclined plane, on an inclined plane of inclination, inclination theta. What is the maximum value? What is the maximum value of theta for which the cube will not topple? What is the maximum value of theta for which the cube will not topple? Correct. So yeah. टॉपल ही नहीं हो रहा है, टॉपल नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन सफिशियंट हो या नहीं हो, टॉपल होगा ही नहीं, क्वेश्चन में दिया है ना टॉपल नहीं है ना, तो फ्रिक्शन सफिशियंट होता तो भी टॉपल यहाँ पे नहीं होता, फ्रिक्शन सफिशियंट होता तो भी टॉपल नहीं होता। मान सकते हैं फ्रिक्शन सफिशियंट है फिर भी टॉपल नहीं हो रहा है, आंसर 45 होगा, आंसर तो 45। देख लेते कैसे है, ये क्यों, ये एंगल थीटा है। अब यहां पे जो फोर्स लग रहा है ये है एम जी कॉस थीटा और ये आएगा एम जी साइन। अब ये बताओ अगर ये क्यूब टॉपल करता तो किस एज के अबाउट टॉपल करता, यहाँ पॉइंट से बता सकते हैं आप, टू डी है तो पॉइंट से बता सकते हैं किसके अबाउट टॉपल करता है ना, टॉपल भी करता तो ऐसा टॉपल करता, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। थीटा, थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम किसी केस में वैसा आएगा, थीटा मैक्सिमम फाइंड करना, नॉर्मल एक्शन शिफ्ट होकर यहाँ पे, जरूरी नहीं कि नॉर्मल एक्शन यहाँ से यहीं पे शिफ्ट हो, यहाँ पे भी हो सकता है बट यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए इसीलिए नॉर्मल एक्शन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन इस साइड लग रहा हो, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा हो है ना। अब देखो इसका मतलब है इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी टॉपल नहीं हो रही है ना, तो फॉर नो टॉपलिंग। एक चीज तो क्लियर है कि टॉर्क जो आएगा इसको मान लेता हूं टॉर्क अबाउट पॉइंट हो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो पे होगा तो भी टॉपल नहीं करेगा है ना, वो मैक्सिमम वहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ आता है एट विच बॉडी विल नॉट टॉपल लेस देन इक्वल टू जीरो। जीरो क्या है, बाउंड्री कंडीशन होता है, जीरो क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन।
ये बात आ रही है समझ में कि सर इक्वल का साइन क्यों लगा? अरे टॉर्क को जीरो भी कर दोगे तो ये टॉपल थोड़ी होगा, वहां पे तो जस्ट स्टार्ट करता है, इसीलिए। तो अब देखो इस पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड करेंगे, नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एफ का टॉर्क जीरो हो जाएगा, किसका टॉर्क आएगा? इसका आएगा और इसका आएगा। ये डिस्टेंस कितना है? ए बाई टू। ये डिस्टेंस कितना है? ये भी ए बाई टू, ए बाई टू और ये ए बाई टू है ना। ये डिस्टेंस ए बाई टू है और ये डिस्टेंस देख लो यार, ये भी ए बाई टू, ये भी क्या है? ए बाई टू। तो इसके ऊपर टॉर्क फाइंड करो, ये आर है, ये एफ है, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा क्लॉकवाइज, एक को पॉजिटिव ले लीजिए एक को नेगेटिव, तो एम ए बाई टू एम जी साइन थीटा माइनस ए बाई टू एम जी कॉस जी कॉस थीटा इज लेस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए बाई टू एम जी साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू ए बाई टू एम जी कॉस थीटा, तो ए बाई टू एम जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा बाय कॉस थीटा is less than equal to 1, therefore tan theta is less than equal to 1, तो यहाँ से theta की value क्या आ जाएगी? less than equal to 45 degree, theta is less than equal to या तो 45 होगा या उससे less होगा, तो theta max कितना जाएगा? 45, theta max कितना आएगा? 45 degree। कहाँ h max, कहाँ use कर रहे हैं mu, कहाँ use कर रहे हैं? एक statement जो वहाँ पे एक दिखा था कि फॉर टॉपली क्या होना चाहिए, टॉर्क और फोर्स का क्या होना चाहिए रिलेशन, उसी के बेस पे सब आ रहा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए moves down on a rough, अभी तक यही पता नहीं हो पाया है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, वेरी गुड। पता है ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं मुझे, जिसको इतना बताने के बाद भी डायरेक्शन नहीं आता है ना। देखो यहाँ पे एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा और यहाँ पे फ्रिक्शन एफ, इसके वो टॉर्क फाइंड करना है। आर क्रॉस एफ होता है, ये आर है इसके लिए, शिफ्ट कर दो यहाँ से यहाँ पे, ये इसके लिए आर होगा। कोई राइट हैंड थंब रूल, अब राइट हैंड थंब बताया, राइट हैंड थंब रूल तो बताया, डायरेक्ट भी कर सकते ना आप। ये आर इसके लिए आर ये है, क्या बताया था? एक का टेल है तो दूसरे का भी टेल ही होना चाहिए उस पॉइंट पे, क्योंकि एंगल फाइंड करना है। तो इसका आर ये है, बट इसको शिफ्ट करोगे तो इसका टेल आ जाएगा, फोर्स का टेल यहाँ पे है और इस जो आर है उसका हेड है यहाँ पे, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट कर दिया इसको तो ये ऐसा बन जाएगा, अभी टेल आ गया। आर क्रॉस एफ आता है, आर से किसके टुवर्ड्स आना है? एफ के टुवर्ड्स। आर को शिफ्ट कर दिया है, आर से किसके टुवर्ड्स? एंगल बन चुका है, एंगल कौन सा है ये? अब एंगल के थ्रू मूव करिए, आर से एफ के टुवर्ड्स आएंगे तो ऐसा बनेगा, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए आर ये है, फोर्स ये है, इसका टेल यहाँ पे है और इसका हेड यहाँ पे है, तो आर को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट किया, आर का टेल यहाँ पे आ गया, फोर्स का टेल है, दोनों का टेल आ गया, एंगल ये बन गया। किससे किसके टुवर्ड्स जाना होता है? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर के टुवर्ड्स आ गए, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। यहाँ पे तो ना तो थंब रूल लगा रहे, कुछ लगा रहे, वो समझ में आ गया कि ऐसे ही करते हैं, आर क्रॉस एफ हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे ही मूव करना होता है। तो डायरेक्ट देख लेंगे, ये आर हो गया, पहले टेल एक साथ आ जाएगा क्योंकि एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने के बाद आर से एफ के टुवर्ड्स मूव करेंगे, एरो बना दिया, समझ में आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड्स। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए मूव्स डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा with constant velocity, with constant velocity. Find the position of normal reaction from
सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए कितना आ रहा है। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होके हर केस में उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास होगा, ये कंपलसरी नहीं। यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब बॉडी स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, इसका मतलब टॉर्क क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। टॉर्क क्या रहा होगा, जीरो। नहीं, जीरो नहीं हो, यहाँ पे स्लाइड कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे ना तो जीरो ही आएगा, किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क फाइंड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करता हूँ। a साइन थीटा बाई टू, अरे a बाई टू टैन थीटा, करेक्ट, a बाई टू टैन थीटा आंसर है, वेरी गुड। मान लेता हूँ कि ये क्यूब है और ये ऐसा, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा mg साइन थीटा, यहाँ पे लग रहा होगा mg cos थीटा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस साइड फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, और कांस्टेंट v कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg sin थीटा के इक्वल होगी, है ना, जितना ये फोर्स होगा उतना ये फोर्स होगा क्योंकि v कांस्टेंट है। अब देखो टॉर्क तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसका जो v है ये कांस्टेंट है, बट मैं इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करूंगा, फाइंड करते आ रहे हैं इसी पॉइंट तो इसलिए फाइंड कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन, ये सेंटर ऑफ मास है, नॉर्मल रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि शिफ्ट होके इस, नॉर्मल रिएक्शन तो इसी साइड शिफ्ट होगा, इस साइड तो शिफ्ट होगा नहीं, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर x की वैल्यू a बाई टू, ये x मान लेते, ये अगर a बाई टू आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें क्या है, तो इसके अबाउट टॉर्क को जीरो कर लेते हैं इसकी। तो देखो इसका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा a by 2 minus x, ये जो डिस्टेंस है इसका, ये हो जाएगा a by 2 minus x, ये डिस्टेंस कितना आएगा a by 2, और ये डिस्टेंस कितना है a by 2, इसका आएगा टॉर्क, इसका आएगा टॉर्क, इसका आएगा टॉर्क, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, ये आप इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करते तो इसका जीरो हो जाता, इसका जीरो होता, इसका इसका, तो वो ज्यादा इजी, बट अपन हमेशा इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते आ रहे हैं तो इसी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर लेते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट हो जीरो क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है, तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करेंगे, तो देखो आर ये है तो शिफ्ट कर दिया आर को, आर शिफ्ट किया तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए आर ये है शिफ्ट कर दिया ये आ गया क्लॉकवाइज, इसके लिए आर ये है शिफ्ट कर दिया ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसका क्लॉकवाइज आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा एम जी ए बाई टू इंटू एम जी साइन थीटा प्लस ए बाई टू माइनस एक्स इंटू एन माइनस ए बाई टू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। इस पॉइंट के अबाउट करते हैं तो ये जीरो हो जाता है ये, और सिर्फ फोर्स होता वो ज्यादा से, बट ठीक है हमेशा इस पॉइंट के अबाउट फाइंड कर रहे हैं इसीलिए फाइंड कर रहे हैं। देखो यहाँ ए बाई टू एन माइनस एक्स एन
माइनस ए बाई टू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या आएगा, ए बाई टू एम जी साइन थीटा प्लस ए बाई टू, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन क्या होगा, एम जी साइन कॉस थीटा हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एक्स एम जी कॉस थीटा माइनस ए बाई टू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये वाला टर्म। तो इसको इस साइड लाते हैं, ए बाई टू एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स एम जी कॉस, एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, ए बाई टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई टू टैन थीटा। सेंटर ऑफ मास के अकॉर्ड लेते ये दोनों जीरो हो जाता, सिर्फ इसका आता और इसका आता, तो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन ए बाई टू एम जी ए बाई टू इंटू एफ, एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा है, वो हो जाता एक्स इंटू एन। तो यहीं से स्टार्ट, स्टेप्स कम आते हैं उसमें, कई बात समझ में, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्मल यहाँ पे आता तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती, ए बाई टू खुद से आ जाती है ना। कॉपी कर लिया इसको, अब देखो स्यूडो फोर्स का टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन से, स्यूडो फोर्स का टॉर्क पॉसिबल हो पाएगा, क्यों अज्यूम करना है, अब कौन अज्यूम करेगा इस साइड, तुम ये बताओ है पॉसिबल, नॉर्मल इलेक्शन इस साइड शिफ्ट हो सकता है तो फिर क्यों, जब पता है कि नहीं पॉसिबल है तो क्यों अज्यूम कर,
कर लो, नेगेटिव आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना, करोगे ना, जैसे इस साइड अज्यूम कर लिया ना, तो वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। फोर्स अगर अप्लाई कर दे तो एक, जब अगर आप मान लोगे ना उसी साइड, तो उस केस में एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव आने का मतलब है जिस साइड माना है ना उसके ऑपोजिट साइड। बात आई समझ में? देखो यहाँ पे नेगेटिव इस साइड अज्यूम कर लेते तो डिस्टेंस कितना हो जाता, ए बाई टू प्लस एक्स हो जाता। अभी ए बाई टू माइनस एक्स है, इस साइड होता तो ये तो ए बाई टू था ही, और ये एक्स है तो ए बाई टू प्लस एक्स हो जाता है। तो ये वाला टर्म प्लस एक्स आता तो इस साइड माइनस आ जाता, तो यही आंसर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती, माइनस ए बाई टू टैन थीटा। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इस साइड नहीं होगा, इस साइड होगा। आई बात समझ? देखो यहाँ सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। स्यूडो स्यूडो फोर्स का कोई टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? मान लो ये इस पॉइंट के अबाउट हिंज, इसके अबाउट ये क्या है, रोटेट करेगा तो इसी के अबाउट रोटेट करेगा। यूनिफॉर्म रॉड है, मास एम लेंथ, ठीक है, ये क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास एम लेंथ है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड व्हेन इट इज रिलीज्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यहां से रिलीज किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है इसका, या नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा वो सब बताना। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पहले से पता है, एक एक पॉइंट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर स्यूडो फोर्स का टॉर्क कैसे लेंगे वो बता। देखो यहाँ इस जैसे यहाँ से रिलीज करेंगे इसको, सिर्फ एम जी आएगा, यहाँ पे भी एक नॉर्मल लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं एन वाई, रिएक्शन फोर्स आर वाई बोलते ज्यादा बेटर है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगेगा, हिंज फोर्स जिसको बोलते थे, हिंज फोर्स लगा रहा होगा आर वाई। बट इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करोगे तो अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो अल्फा से अगर ये रोटेट कर रहा होगा, अल्फा से अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, इसके अबाउट टॉर्क अबाउट हो इसी का आएगा सिर्फ एम जी एल बाई टू। पहले भी किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व, आई अल्फा इक्वल्स टू एम जी एल बाई टू, इसके अबाउट कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री, एल्फा इक्वल्स टू एम जी एल बाई टू। एम सी एम कैंसल आउट हो गया, एल सी एल कैंसल आउट हो गया, एल्फा की वैल्यू हो जाएगी थ्री जी बाई टू, है ना। इसको मान लेते हैं ए और ये सेंटर ऑफ मास। तो यहां से अगर ए की वैल्यू ये आ गई, एल्फा ये आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा, ए सी एम एल्फा इंटू एल बाई टू, तो थ्री जी बाई टू एल इंटू एल बाई टू थ्री जी बाई फोर, है ना। तो यहां से आप नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करते थे, अगर कुछ याद है तो एम जी ये इस साइड आएगा ए टी, क्योंकि ओमेगा जीरो है, थ्री जी बाई फोर, यही है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अभी ए सी एम बोल नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है आर वाई, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ से, एम जी माइनस आर वाई इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम। तो आर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी ए सी एम पुट करोगे तो थ्री एम जी बाई फोर, तो ये कितना आ रहा है एम जी बाई फोर, एम जी बाई, ये सब पहले फाइंड कर चुके हैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए फाइंड करना होता तो ये कितना होता, एल्फा इंटू एल, तो ये हो जाता आपका थ्री जी बाई टू एल इंटू एल, ये हो जाता थ्री जी बाई टू। ये सब बताया है, पहले ही बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स, हिंज फोर्स, इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सब डिस्कस किया या नहीं किया था? ठीक है, कॉपी कर लो, फिर भी थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब अपने को पता है कि ये पॉइंट तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट एक्सेलरेट 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 कर रहा है, हर पॉइंट इसका एक्सेलरेट कर रहा है, सिर्फ ये पॉइंट एक्सेलरेट नहीं कर रहा। तो आपको बताया कि टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो उस पॉइंट के अबाउट लेना है जो रेस्ट में, ठीक है, या उस पॉइंट के अबाउट लेना है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा, ऐसा बता। या अगर आपने एक्सेलरेटेड कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, एक्सेलरेटेड,
तो उस केस में आपको स्यूडो टॉर्क लेना पड़ेगा, स्यूडो टॉर्क लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखते हैं, यहां से फाइंड कर लिया स्यूडो टॉर्क क्या होता है। डन, अब देखिए सूडो टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहां से आपको समझ में आएगा। कॉपी कर लीजिए, स्यूडो टॉर्क बोल देता हूं, मतलब टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स। बेसिकली क्या है, टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स। अब देखो इस क्वेश्चन में ये पता है कि ये रेस्ट में है, इस यहाँ पे जो इस इंस्टेंट पे फोर्स आ रहा है आर वाई, ये कितना आ रहा था एम जी बाय फोर, यही आ रहा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है ये mg, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, एक्सेलरेटेड पॉइंट। मैं इसको कंसीडर कर लूँ, एक बार इसको कंसीडर कर लूंगा, एक बार इसको कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। ये इसलिए यहाँ से इसको कंसीडर कर रहे हैं कि इसके व्हाट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली ml स्क्वायर बाय 3 लिख सकते हैं। इसको इसलिए कंसीडर करेंगे, इसके व्हाट इजीली ml स्क्वायर बाय 12। नहीं तो इस पॉइंट को कंसीडर करोगे तो फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इस पॉइंट के व्हाट टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क व्हाट पॉइंट है, ये एक्सेलरेटेड पॉइंट है, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना था 3g/2 था या नहीं था, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना था 3g/2। अब मैं इसके अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करूंगा तो क्या करना पड़ता था, स्यूडो स्यूडो फोर्स का जब टॉर्क फाइंड करते थे तो स्यूडो फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, स्यूडो फोर्स कहां पे, सेंटर ऑफ मास पे। तो यहां पे FP, FP की वैल्यू कितना, ऑपोजिट होगा, ये इस डायरेक्शन में आ रहा था तो इस डायरेक्शन में आएगा, बट सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, बताया है वहां, देखिएगा नोट करके लिखाया है पॉइंट, स्यूडो फोर्स कहां पे लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा ये, तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा एम इन टू ए, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3mg/2, 3mg/ क्या ऐसा क्यों, अरे तुमको ये जानना था ना कि स्यूडो टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका क्या मतलब अप्लाई कैसे करना है, तो वो ये एप्लीकेशन पार्ट बता रहा हूँ ना मैं। ओके ये क्यों लगेगा, ये बताओ, ये बताओ फोर्स को कहाँ लगा, ये एम जी कहाँ लगा, एम जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे फोर्स लगता ना, डीएम, डीएम पे स्यूडो फोर्स, डीएम पे स्यूडो फोर्स, डीएम पे स्यूडो फोर्स, हर डीएम पे स्यूडो फोर्स लग रहा हो, उसका सेंटर कहाँ पे लेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, टोटल मास को कहाँ पे अज्यूम करते, टोटल मास को सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करते हैं ना, वो एक पॉइंट मास हो गया या नहीं हो गया, तो उसी पॉइंट मास पे फोर्स लगेगा ना, स्यूडो फोर्स मास पे ही लगता है ना स्यूडो फोर्स,
ये ऐसा है। ए पे क्यों लगेगा यार? अरे सूडो फोर्स किस पे लग? नोट तुम भूल गए, फिर नोट करके ये पॉइंट लिखाया था। ये बताओ ना मुझे, मास कहां पे होगा इस पूरे बॉडी का? मास कहां पे होगा इस रॉड का? इस पूरे रॉड का मास कहां? सेंटर ऑफ मास। तो सूडो फोर्स कहां पे? सेंटर ऑफ मास पे। एम इंटू सूडो फोर्स क्या होता है? मास इंटू ए, यही होता है ना, एम इंटू ए। मास किसका आता है? इस पॉइंट का मास आएगा या उस बॉडी का मास आएगा? पॉइंट का मास आएगा या बॉडी का मास आएगा? सूडो फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है ना, बॉडी का मास आएगा। उस बॉडी का मास कहां पे है? सेंटर ऑफ मास पे, इसीलिए सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर? किसी पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट लेते ना तो भी सूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि इसका टोटल मास यहीं पे, हमेशा मास पे लगाते, इसी पे लगाते हैं सूडो फोर्स। ये ब्लॉक है, यहीं पे सूडो फोर्स अगर एक्सेलरेट कर रहा है ना, उसी मास पे, इसीलिए यहाँ पे सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन। अब टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, तो देखो इसके लिए आर ये है, थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए तो इसका आएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका आएगा क्लॉकवाइज। इसके लिए आर ये है, शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी इसका भी टॉर्क आएगा, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, इसका टॉर्क आएगा। टॉर्क अबाउट ए क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, ऐसे रोटेट कर रहा है, नहीं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ना, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव हो जाए। ये कितना आएगा? एल इंटू आर वाई प्लस, ये कितना आएगा? एल बाई टू इंटू एफ पी, ये कितना आएगा? माइनस एल बाई टू इंटू एच। टॉर्क अबाउट क्या आता है? आई एल्फा हो जाएगा, आई ए इंटू एल्फा। एल आर वाई की वैल्यू कितनी है? एम जी बाई, यही ये चीज क्या है? टॉर्क ऑफ, इसको आगे लिखूंगा, ये क्या है? टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। देखिए ऐसे तो टॉर्क अबाउट ए क्या लिखोगे आप? आई ए इंटू एल्फा, ये हो जाएगा एल इंटू एम जी बाई फोर, ये हो जाएगा एल बाई टू इंटू थ्री एम जी बाई टू माइनस एल बाई टू इंटू एम जी माइनस L by 2 into mg. तो यहां से क्या, ये कितना जाएगा? ml square by 3 alpha. ये कितना आएगा? ये भी 4, ये भी 4, LCM ले लीजिए, पूरे का LCM ले लीजिए, 4 आएगा, ये हो जाएगा mgl, ये कितना आएगा? 3 mgl, और ये आ जाएगा 2 mgl. तो यहां से क्या आ रहा है? ml square alpha by 3 equals to 5 minus 2, तो 2 mgl by 4, 2 mgl by 4, 2 से जाएगा, ml ml cancel out हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3g/12, यही आ रहा था क्या? अल्फा, पहले भी अल्फा यही आ रहा था, अभी भी वही आ रहा है। आपको पता है कि अगर रॉड, ये रॉड ऐसा रोटेट कर रहा है अल्फा से, तो हर पॉइंट के अबाउट इसका क्या आएगा? हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ही होगा। ओमेगा से रोटेट कर रहा था, हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा ही होगी, रिजिड बॉडी है, तो इसके अबाउट ये कितने से रोटेट कर रहा है? अल्फा से, मतलब हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे क्या रहा होगा? अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3g/12, पहले भी कितना आया? 3g/12, पहले भी कितना आया? 3g/12। एक बार सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी फाइंड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं उससे भी।
किसके अबाउट एक्सेलरेट कर रहा था? बता तो, बता तो, किससे पास होगा वो, किससे पास होगा? सूडो फोर्स किससे पास होगा वहां पे? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते थे, किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट लेते थे टॉर्क, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहे हैं मान लिए। सूडो फोर्स किस पे लगेगा? सूडो फोर्स कहां पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। किस डायरेक्शन में? इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क कितना है? इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क जीरो। आई बात समझ में? क्या आएगा? जीरो। कुछ आता तब तो कंसिडर। डन। देखो ना, इसको भी मैं सेंटर ऑफ मास की कंसिडर करता हूँ, तो देखो क्या आएगा आंसर। तो यही आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के बोर्ड लेते। ये इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे एम जी लग रहा है। सेंटर ऑफ मास कितने से आ रहा था? तो जी बाय फोर से आ रहा था, जी बाय फोर ही था ना यार। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन थ्री जी बाय, थ्री जी बाय, तो सूडो फोर्स यहाँ पे लगेगा एम इंटू थ्री जी बाय फोर। इसी के अबाउट फाइंड करते हैं, इसी के अबाउट फाइंड कर रहे हैं टॉर्क अबाउट सी मान लो पॉइंट, या टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख लिए, तो सिर्फ आर वाई आएगा, ये है एम जी बाय फोर। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा और इसका भी, सूडो फोर्स का भी टॉर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसका भी जीरो हो जाएगा और इसका भी जीरो हो जाएगा। इसी पॉइंट सिर्फ इसी का आएगा, कितना आएगा? एल बाई टू इंटू एम जी बाई, और ये कितना होगा? आई सी एम इंटू एल्फा इक्वल्स टू एम जी एल बाई एट। आई सी एम कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, एल्फा इक्वल्स टू एम जी एल बाई एट। एम एल एम एल कैंसिल, फोर से टू टाइम्स में, फोर से थ्री टाइम्स में, एल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? थ्री जी बाई ट्वेल्व। सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड किया तो अल्फा क्या आएगा? वही आ रहा है, ये आ रहा है। किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड करोगे ना, यही है 3g / 3g / 2। यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो इस पे जो सूडो फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। रोलिंग में भी वही होता था, रोलिंग में भी क्या होता था? वही होता था। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, सूडो फोर्स वाला, कि टॉर्क कैसे फाइंड करें। एक ऐसा क्वेश्चन है, एक यहाँ पे सिलेंडर ऐसे थोड़ा सा 3D टाइप का बना देता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में। वो तो जिस टाइप का है, ठीक है, सर्कल दिखना चाहिए थोड़ा सा, इसको नहीं बनाना था, ऐसे बनाना था सिर्फ, तो आ जाता। अच्छा ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये जो पास हो रहा है कुछ ऐसा पास। अच्छा विजुलाइज हो जाएगा थोड़ी देर में। ये मान लीजिए ये ऐसा है, कुछ आइडिया लग रहा है? ये एक फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेगुलर नहीं रेक्टेंगुलर,
इंक्लाइंड नहीं, इंक्लाइंड नहीं, इंक्लाइंड है, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऐसे ही रखा हुआ है इस पे। अगर मैं ऐसे बनाता तो वो थोड़ा समझना डिफिकल्ट। ऐसे समझ में आ रहा है ना कि इस पॉइंट के वोट है, तो हो सकता है कि ये इस एज पे है, इस वाले एज पे है, तो ये रोलिंग कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, ऐसा करके इस वाले एज पे है। यस बोल सकते, रोलर जो है ये एक रोलर है और वो एक प्लैंक पे है, ऐसा बोल सकते हैं। फिक्स्ड रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल प्लैंक ब्लॉक या प्लैंक जो बोल रहे हैं। यस यस, इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं, थोड़ा ज्यादा सही, ये ऐसा है तो थोड़ा सा साइड इसका ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब यहां से यहाँ पे मैं ऐसा ये ऐसा है, ये वाला जो है ये कुछ इस साइड है, कुछ साइड इसका बाहर ऐसा, हाँ वर्ज वाला टाइप, करेक्ट। क्वेश्चन अभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ क्या है, थोड़ा बहुत आपको विजुअलाइज हो जाए कि कैसा है, ना समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा ये इस साइड टाइप्स। देख लेते क्वेश्चन में क्या दिया हो, यही पे रखा होगा तो वर्ज होगा वैसा है, कोई एक ड्रॉ कर लो, फिक्स्ड प्लान है, इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है, ये सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये ड्रॉ कर लीजिए, कोई एक ड्रॉ कर लीजिए, हाँ कोई एक ही ड्रॉ करना है, वैसे समझाने के लिए कि अगर मान लो ये ऐसा था तो द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग कुछ वैसा है, कोई भी एक ड्रॉ कर लीजिए, ये या ये ड्रॉ करो वो ज्यादा सही, इसको कर। तो अभी ये हो गया, ये फिक्स्ड रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल प्लैंक, फिक्स्ड रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल प्लैंक, और ये सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस आर, कॉपी करो यार, कॉपी नहीं किया तो कॉपी तो करना ही है।
क्वेश्चन क्या है एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्या क्वेश्चन है? अ सॉलिड सिलेंडर रेडियस पता है यार, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली एट रेस्ट with its length parallel to the edge such that the axis of the cylinder and the edge of the plank are in the same vertical plane मतलब यहां पे एक लाइन अगर आप ड्रॉ कर दोगे एक्सिस, तो ये जो इसका एज है ये दोनों पैरेलल दिखेगा। यहाँ पे एक प्लेन ऐसा ड्रॉ करोगे तो उसी प्लेन पे दोनों लाइन है ना। यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर दिया तो ये वाला मान लीजिए एज यहाँ पे होगा, तो एक्सिस जो है सिलेंडर का ये यहाँ, ये ऐसा है, ऐसा समझ, ये एज है, ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा है, ऐसा आपको ऐसे समझ लेगा, ऐसा एक्सिस इसका सेंटर पे ऐसा पास होगा, एक्सिस यहाँ पे है, तो ये जो एक्सिस पास हो रहा है और ये जो लाइन होगी यहां से, ये दोनों पैरेलल। इन द सेम वर्टिकल प्लेन देयर इज सफिशियंट फ्रिक्शन There is sufficient friction present at the edge, so that a very small displacement causes the cylinder to roll off the edge without slipping. Calculate yeah, determine the angle theta c through which The cylinder rotates before it leaves contact with the edge. Description एक ना ज़्यादा फाइंड क्या करना है, थीटा एंगल थीटा सी थ्रू विच द सिलेंडर रोटेट्स बिफोर इट लीव्स कॉन्टैक्ट विद द एज। ऑल्सो फाइंड Also find the speed of center of mass of the cylinder before leaving contact with the edge.
कॉपी कर लो इसको पहले। मास एम रेडियस आर, रेडियस तो गिवन था ना उसमें आर, मास एम अज्यूम कर लो, मास एम रेडियस तो यहाँ पे गिवन है ना आर, इसका मास एम मान लीजिए, मास क्या है थीटा बोलना ना, थीटा से छोड़ दो, थीटा ज्यादा सही है, थीटा से क्यों लिखूंगा क्वेश्चन। कॉपी कर लिया इसको, अब देखो यहां से उनसे आएगा आंसर, ये ऐसा है दिखने से लग रहा है इतना, ये क्या है, क्वेश्चन भी रीड नहीं करेंगे है ना, क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। पहला जो है ऐसा दिखेगा, अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये आ गया तो भी आ जाएगा, ऐसा दिखेगा ना? यहां से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, यहां से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। अरे तुम्हारा पता नहीं चलता है ना यार, तुम इतना स्लो नोट करते हो, तुम बोलते हो कि बिल्कुल मजा नहीं आता पढ़ने, तो फिर मुझे डाउट होने लगता है, बात ये है। तो अभी देखो इसका एक्सिस और ये दोनों सेम लाइन में है, नहीं नहीं आंसर बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ये आर है, ये आर है और इसका सेंटर यहाँ पे रहेगा, एक ही एक एक्सिस और ये वाली लाइन पैरेलल है तो सेंटर यहाँ पे रहेगा, ये आर। अभी मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसा, ठीक है ये ऐसा था, तो थीटा एंगल रोटेट किया होगा, ये थीटा इसका सेंटर ऑफ मास जो ये है, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, पहले ये वाला पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आया, कितना ये लाइन रोटेट किया, ये वाला थीटा रोटेट किया यहाँ से, मतलब ये थीटा रोटेट किया। अब ये बताओ कि ये यहाँ पे आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है, तो ये जो इसका ये वाला डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी मान लीजिए और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और जब तक इसके कॉन्टेक्ट में है प्योर रोलिंग है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी वी होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी ओमेगा आर होगी, तो प्योर रोलिंग के लिए वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले। अब देखिए यहां से इतना आया समझ में, अब मुझे बताओ इसमें क्या यूज कर सकते हैं,
तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यहाँ पे यूज कर सकते? कोई आइडिया नहीं। कंजर्वेशन ऑफ, देखो एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है अभी, बट एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम इसलिए नहीं आएगा कि mg का टॉर्क आने लगेगा यहां से। जब यहां पे है तो mg का टॉर्क नहीं आएगा, बट जब ये सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा ना, mg का टॉर्क आ जाएगा। यहां पे है ना, mg का टॉर्क आ जाएगा। यहां पे नहीं आएगा, बट जैसे आगे आगे मूव करेगा ना, mg का टॉर्क आता रहेगा। नहीं लगा सकते? आपको बताया है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्टली वहां पर यूज होता है जहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिखेगा आपको सेंटर ऑफ मास। एक रॉड होता था ऐसा, ये वर्टिकल ऐसा हो जाता था, तो सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा था ना, तब इस केस में, ऐसे केसेस में क्या लगाते थे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्या? पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, इसी को रेफरेंस लाइन मान लिया। लगा सकते हैं क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? क्योंकि इसके वर्टिकल पोजिशन में मतलब चेंज आ गया। तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका, अगर वर्टिकल पोजीशन डिस्प्लेस हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये बात आई समझ में या नहीं? ये पहले इतना बताओ, ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन सिंपल हो गया। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन सिंपल, ड्रॉ कर लीजिए। तो इसको रेफरेंस लाइन माने, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी। तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल भी है, काइनेटिक में ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल, ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी। तो लिखेंगे टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो फाइनल एनर्जी वो कर सकते cos theta, हाँ कुछ वैसा ही आएगा, वो आ गया तो वो भी आ जाएगा, वो तो सिंपल है, वो भी करोगे ना तुम टोटल, तो आंसर वही आना है। इनिशियल एनर्जी कितनी mgr, फाइनल एनर्जी कितनी होगी mgr cos theta, और यहाँ पे अगर आप रोटेशन से देखेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एनर्जी हाफ आई पी ओमेगा स्क्वायर, या अगर मैं ऐसे भी लिख दूं तो आंसर वही आने वाला है, आंसर वही आने वाला है ना, ऐसे भी लिख दू तो आंसर वही आएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो भी वही आएगा। तो यहाँ से mgr equals to mgr cos theta plus half mv square plus half, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी icm, सॉलिड सिलेंडर है, एक्सिस के वॉट रोटेट कर रहा है, तो mr square by 2 आ जाएगा, और ओमेगा आप क्या लिख सकते हैं v square by r, यहाँ से m m m m जाएगा। तो जी आर, जी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एलसीएम ले लीजिए वी स्क्वायर बाई टू प्लस पहले वी स्क्वायर बाई फोर, तो जी आर कॉमन, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू फोर टू वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहां से जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू थ्री बाई फोर वी स्क्वायर, देयर फोर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर जी आर बाय थ्री इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन आ जाएगा। आई बात समझ?
सेकेंड इक्वेशन क्या लगा सकते हैं? देखिए यहां से, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। सेंटर ऑफ मास इसका कैसा मोशन कर, सेंटर ऑफ मास यही है ना, सेंटर ऑफ मास, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा है यहाँ, सर्कुलर। अरे सेंटर ऑफ मास का मोशन तो इसके अबाउट है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट कैसा मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन, ऐसा ही है, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास ऐसा मूव कर। तो इस पॉइंट पे इसका जो फोर्स आ रहा है ये एम जी आएगा, एक कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग आएगा सेंटर के टूवर्ड्स, ये थीटा था एम जी कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, वी है, इसके अबाउट तो वही है, और ये वाला डिस्टेंस आर है। तो अभी क्या लगे, इस पॉइंट पे कांटेक्ट में था तो नॉर्मल भी लग रहा होगा, उस बॉडी पे नॉर्मल भी लग रहा होगा, बट जैसे ये लीव करेगा नॉर्मल जीरो हो जाएगा, है ना, एट द टाइम ऑफ लिविंग कांटेक्ट, एट द टाइम ऑफ लिविंग कांटेक्ट उस बॉडी पे नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा ना, नॉर्मल को हटा दो नॉर्मल लगेगा ही नहीं, सेंटर के टुवर्ड्स कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है mg cos theta, और इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स क्या लिखोगे, m into s, ये कितना है mg cos theta, ये वाली वैल्यू कितनी है mv square, रेडियस कितना है r, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v square की वैल्यू कितनी होगी gr cos theta, gr cos theta, इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ theta, फ्रॉम 1 एंड 2 You will get the value of theta. एक बार नोट कर लीजिए, एक बार theta आ गया, v की वैल्यू करेंगे आंसर आ जाएगा, theta की वैल्यू करेंगे तो v आएगा। हाँ कुछ वैसा ही आएगा, डन।
तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू वन एंड टू क्या हो जाएगा, जी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू फोर जी आर बाई थ्री इंटू वन माइनस कॉस, जी आर कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा थ्री कॉस थीटा इक्वल्स टू फोर माइनस फोर कॉस थीटा, सेवन कॉस थीटा इक्वल्स टू फोर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, फोर बाई सेवन, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स फोर बाई सेवन, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर कॉस थीटा, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी आर कॉस थीटा इज फोर बाय सेवन, तो वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट फोर जी आर बाय सेवन, फोर जी आर बाय सेवन, ठीक है, फोर जी आर बाय सेवन। रिपीट प्रीवियस प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द एच, द एच, कॉपी कर लीजिए इसको। एक बार ट्राई के लिए
इस केस में अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना होता, यहाँ साइड में लिखना, ओमेगा क्या हो जाता, बी बाय आर, तो ये कितना आ जाता, 4gr/7r² कुछ ऐसा आ जाता आपका, 4g/7r, है ना। ओमेगा अगर फाइंड करना होता तो ये आ जाता, इसका यूज है, इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ 4g/7r ओमेगा। कॉपी कर लिया इसको, पहले ये ऐसा था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आर डिस्टेंस, है ना। जब ये कांटेक्ट इसका ब्रेक होता है तब ये ऐसा था, यस, जब ये कांटेक्ट ब्रेक होता है थीटा एंगल पे तो इसकी वेलोसिटी भी है ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब देखो ये जब हॉरिजॉन्टल ऐसा हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, मुझे ये बताइए क्या यहां से यहां तक आने में इसका ओमेगा चेंज होगा क्या, क्योंकि अभी इसका कांटेक्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है। कांटेक्ट ब्रेक मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा है, नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो अभी जो इसका टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के, वो टॉर्क जीरो रहेगा। पहले तो इसके वोट रोटेट कर रहा था, ये किसके वोट रोटेट कर, यहां से देखते तो अपन को ऐसा लगता, अभी कांटेक्ट ब्रेक हो गया, कोई नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, नॉर्मल नहीं लगेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट देखते पहले क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे रहा होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क आता सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अभी जब टॉर्क देखेंगे आप यहाँ पे कांटेक्ट में ही नहीं है, कांटेक्ट ब्रेक हो चुका है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा, है ना, फ्रिक्शन नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो इसका जो अभी ये क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो यहाँ पे रोटेट कर रहा था ओमेगा से, तो कोई टॉर्क है ही नहीं अभी, तो यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसके बाद कोई टॉर्क है ही नहीं, टॉर्क नहीं है तो यहाँ पे भी इसका ओमेगा ही रहेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ओमेगा ही आएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे भी ओमेगा ही आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, के ई आर, रोटेशनल तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा सिर्फ, तो हाफ इंटू एम आर स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर, अभी फाइंड किया कितना, 4g/7r, 4g/7r, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 4g/7, फाइंड किया था ओमेगा की वैल्यू वी बाय आर हो जाएगी, तो 4 से 4, 4 से ये दोनों जाएगा, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा mgr/7, है ना, mgr/7 रोटेशनल। अब यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कहां से, यहां से यहां तक, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है इसकी, एम जी आर, है ना, इसी को रेफरेंस मान लिया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो 0 + ½ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, रोटेशनल तो ये हो जाएगा एम जी आर, मुझे ट्रांसलेशनल फाइंड करना है, ये आ जाएगा mgr/7, इसको इस साइड लाइए, कितना आ रहा है, एम जी आर माइनस एम जी आर बाई सेवन इक्वल्स टू, तो ये कितना आ रहा है, 6 mgr/7 इक्वल्स टू ट्रांसलेशन, एंड के ई आर था ना, रोटेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल रोटेशनल, KET अपॉन KER, 6 mgr/7 अपॉन mgr/7, आंसर 6, आंसर कितना है, तो ये कॉन्सेप्ट इसका यही था, है तो क्वेश्चन सिंपल, यहां से यहां तक ओमेगा चेंज नहीं होगा, टॉर्क जीरो है,
अल्फा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू अभी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे भी जब आएगा तो ओमेगा ओमेगा ही होगा, इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, वी डैश बोल दिया, बट मुझे वी डैश फाइंड करना है नहीं, वी डैश फाइंड करना मुझे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं वी डैश क्या होगा, बट फाइंड नहीं क्वेश्चन में वैसा गिवन, ठीक है। ये आपके ये क्वेश्चन शायद आपके बुकलेट में भी है, वो तो टफ हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके बुकलेट में भी है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 47 देख लो, 47 जो भी है, ये क्वेश्चन मतलब लास्ट के थ्री क्वेश्चंस। यस तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज बस इतना ही हो गया, देखेंगे अगर टाइम मिला तो कभी कभी एक दो क्वेश्चन कर लिया करेंगे डिस्कशन के लास्ट। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा एक्सरसाइज वन के बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, एक्सरसाइज वन के रिमेनिंग क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज टू। यस एक्सरसाइज टू कुछ भी पूछ सकते हो, बट ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक्सरसाइज थ्री एक्सरसाइज फोर दो को, उसके बाद यहाँ से थ्री लेक्चर्स भी मिले ना, तो थ्री लेक्चर्स में होपफुली हो जाना चाहिए चैप्टर तो ही है, डिस्कशन हो गया। क्योंकि एक्सरसाइज फोर तो अच्छा ही है इसका, बहुत सही क्वेश्चन है। कौन सा एक देखो यहाँ ये देखो, सेंटर ऑफ मास कैसे रोटेट कर रहा उसको समझ, तो ये बॉडी तो ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, यहाँ से ऐसा आ गया, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, तो इसके यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है, रेस्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट से अगर आप देखोगे ना तो हर पॉइंट रोटेशनल मोशन कर रहा है, इस पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, प्योर रोलिंग मोशन है ना इसका, प्योर रोलिंग है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद कैसा मोशन हो जाता है इस बॉडी का, प्योर रोटेशनल, हर पॉइंट किस में मूव कर रहा होगा, एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, हर पॉइंट एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, हर पॉइंट इस, तो सेंटर ऑफ मास भी सर्कल में मूव कर रहा होगा जिसका रेडियस आर होगा, तो सेंटर ऑफ मास ऐसा है, यहां से ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इस टाइप से दिखेगा आप, सेंटर ऑफ मास जो है यहां से ऐसा है, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, तो थीटा हो गया, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन इस बॉडी पे जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जा रहा है, नॉर्मल एक्शन जीरो हो जाएगा, तो अब ये पॉइंट जो है ये सिंपल सा ऐसा हो, एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है जिसका मास एम है, सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास होगा, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में आ रहा है mg cos थीटा, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, नेट सेंट्रीपेटल फोर्स क्या लिखोगे, mg cos थीटा, नेट सेंट्रीपेटल फोर्स क्या लिखोगे, और इसकी वेलोसिटी v है, तो fc equals to m into ac, fc को क्या लिखोगे आप, ये तो बताया है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg cos थीटा, mg cos थीटा equals to mv square by r, mv square की वैल्यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।